लिया है तो उसका एसपी 1100 में कूपन है, तो उसको एसपी 1100 ही नया फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा एक नया टिलर। छोटू किसान भैया, सन ने तो पावर टिलर ही फ्री कर दिया, एक के साथ एक पावर टिलर फ्री कर दिया। नमस्कार मेरे किसान साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मेरे क्रिएटिव जोन चैनल पे। तो आज हमारे साथ स्प्रेमैन कंपनी के ओनर हर्ष भाई जी हैं, तो हम आज इनसे बातचीत करते हैं और पावर टिलर देखते हैं इनके पास कौन कौन से पावर टिलर है और देखते हैं आज क्या ऑफर वगैरह लेके आते हैं, नया साल आने वाला है तो चलिए बातचीत करते हैं सर से। नमस्कार सर। नमस्कार मेरे किसान भाइयों, क्या हाल चाल है? मेरा नाम है हर्ष गर्ग और हमारी कंपनी का नाम है राजसन एग्रो इंजीनियर्स। सिंह पावर जो है हमारी कंपनी का ब्रांड है। हम जो है पिछले 30 सालों से जो है कृषि यंत्र जो है बनाते आ रहे हैं। तो आज जो है हम जो है किसानों को सबसे पहले बधाई देना चाहते हैं कि धान की कटाई जो है वो हो गई है। आप देख सकते हैं कि हमारे आसपास भी जो है धान की कटाई जो है लोगों ने कर दी है, तो इस अवसर पे और दीपावली भी निकली है तो बहुत बहुत मुबारकें। अब जो है नया साल आने वाला है तो क्यों ना कुछ किसानों के लिए नया लेके आया जाए, कुछ नया उनको दिया जाए, तो यही देखते हुए आज जो है हमने ये जो है वीडियो बनाने का सोचा है। तो हमारे पास पहले तो मैं आपको टिलर बताऊंगा, हमारे पास यहाँ पे अभी 3 मॉडल हमने जो खड़े करे हैं। एक हमारा 8.5 HP का जिसमें इटालियन टर्बो सीरीज इंजन लगा हुआ है, उसी में फिर सिंह पावर के अंदर ही हमने जो है हमारा SP 2200 मॉडल जिसमें हमने लाइट दे रखी है, और इसके बाद इसी के अंदर एक और बड़ा मॉडल है जिसके अंदर हमने वही इंजन है सेल्फ दे रखी है, तो इस वजह से जो है ये चाबी स्टार्ट जो है वो आसानी से हो जाता है, बैटरी वगैरह दे रखी है। तो ये 3 मॉडल जो है हमने यहाँ पे लेके आए हैं, हमारा SP 1100, SP 2200 और SP 2200E मॉडल है। बात करते हैं सबसे पहले SP 1100 मॉडल की। तो SP 1100 में पेट्रोल इंजन दे रखा है 8.5 HP का टर्बो सीरीज का, जिसके अंदर जो है कंपनी का स्टैंडर्ड जो है 3 फीट का रोटावेटर साथ में मिलता है। कैपेसिटी इसकी जो है वो 6 फीट तक की है, पर जो स्टैंडर्ड इसके साथ आता है वो 3 फीट का आता है। इसको आप बड़ा करके 3.5 भी कर सकते हैं, 4 फीट भी कर सकते हैं। 3 गियर इसमें है, 2 आगे और 1 पीछे, और इसके अंदर वही जो सिंह पावर की फेमस नैनो गियर टेक्नोलॉजी जो इसके अंदर है। नैनो गियर टेक्नोलॉजी की भैया बाइक किसी ने चलाई हो ना चलाई हो, मोटरसाइकिल गाड़ी ट्रैक्टर ट्राली चलानी आती हो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आती तब भी कोई दिक्कत नहीं है। गियर लगाना है सीधा अपनी पसंद का, दूसरा पहला बैक गियर, और ये लाल लीवर को दबाना है, मशीन चल पड़ेगी, छोड़ देंगे तो रुक जाएगी। कुछ लोग अब आजकल हमें जो पता लगा है कि वो कहने लगे हैं कि नैनो गियर टेक्नोलॉजी में चेन का इस्तेमाल होता है, पर भैया हम आपको जो है वो लिखित में गारंटी देते हैं इन 3 मॉडल के अंदर नैनो गियर टेक्नोलॉजी है, और इसके अंदर आपको कहीं भी चेन बेल्ट या पुली वाला कुछ सिस्टम मिल जाए तो आपके पैसे वापस है और मशीन भी आप अपने पास रखोगे। जो ये मैं बता रहा हूँ जी, यहाँ से इंजन की जो शाफट है वो क्लच में जा रही है, क्लच के आगे शाफट है, यहाँ पे क्राउन पिनियन लग के जो है वो नीचे की तरफ जो है वो जा रही है, और नीचे भी जो है पूरी यहाँ इसके अंदर गरारियां हैं, यहाँ से जो शाफ्ट है और यहाँ पे भी गरारी लगी हुई है। कोई बेल्ट का कोई चेन का कोई पुली का सिस्टम नहीं है, इसके अंदर क्लच है, इसके अंदर जो है 5 प्लेटों का तेल वाला क्लच है जो बाइक में होता। जैसा है बाइक में होता है, पर उसकी टेक्निक बदल गई है भैया, फोनों की टेक्निक बदल गई, पहले बटन वाले फोन थे अब टच वाले आ गए हैं, ठीक है। पहले चार्जिंग जो थी वो तार लगा के करनी पड़ती थी, आज तार लगाए बिना भी मोबाइल चार्ज हो रहे हैं, तो ऐसे ये टेक्निक आ गई है। पर जिसके पास टेक्निक नहीं ना हो वो तो यही कहेगा कि भैया इसमें ये है वो है नहीं पता, तो जैसे लोग पहले कहते हैं धरती चपटी है, तो ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि नैनो गियर टेक्नोलॉजी में चेन है। भैया धरती गोल है और नैनो गियर टेक्नोलॉजी में गरारियां लगी हुई है, कोई चेन बेल्ट पुली का सिस्टम नहीं है, टेक्निक अलग है। और देखने से पता लग रहा है अगर कोई बेल्ट पुली का सिस्टम हो तो दिखता आपको, दिखते है बेल्ट दिखती है आपको, चेन दिखती है आपको, ये चीजें दिखती हैं, ठीक है जी। और इसके अंदर नैनो गियर टेक्नोलॉजी है, तो लाइफ जो है मशीन की वो बहुत बढ़ जाती है। आगे PTO ये देखिए जी, इसके अंदर है ये 4 नट खोल के इसके अंदर PTO सिस्टम है, ये भी एक पता लगता है क्योंकि बेल्ट और चेन वाले में PTO सिस्टम नहीं होता है, हाँ इसके अंदर PTO सिस्टम है। और जो इसके अंदर है कि इसके अंदर जैसे पहले होता था कि भैया क्लच दबाओ गियर लगाओ क्लच छोड़ो मशीन तो आगे बढ़ेगी, पर अब वो है उसके अंदर कि भैया किसी अनजान आदमी ने क्लच दबाए बिना गियर लगा दिया, गरारियां टूट गई, या क्लच आधा ही दबा रहा भैया पूरा नहीं दबा रहा फिर गियर लगा रहा है, आपकी क्लच जो है प्लेटें खत्म हो जाएंगी, या क्लच को दबा दबा के चला रहा है वो भी प्लेटें, इन चीजों से मशीन की लाइफ आधी रह जाती थी। इसी को देखते हुए हमने कहा कि भैया किसान जो है वो इतना जो पहले हाथों से बल्दों से काम ले रहा था उसको इतना नहीं पता टेक्निक का, तो वो नहीं इतना कॉम्प्लेक्स मशीनरी इतनी जो है उलझनदार मशीनरी नहीं चला सकता, तो नैनो गियर टेक्नोलॉजी लेके आए हैं। इसके अंदर कुछ नहीं है, गियर लगाओ इसको दबाओ चल पड़ेगी, छोड़ दो रुक जाएगी मशीन। अगर चलती चलती भी आपकी जो है हाथों से भाग गई
तो ये ऊपर उठ जाएगा और मशीन वहीं की वहीं रुक जाएगी। और इसके अंदर तो ऐसा कोई सिस्टम भी नहीं है कि भैया क्लच आधा लगेगा, क्योंकि या तो ये पूरा दबेगा या ये बिल्कुल नहीं दबेगा। और इसके अंदर ये भी नहीं है कि भैया अगर गियर बंदे ने क्लच दबाए बिना लगा दे कोई बात नहीं, भैया जैसे मर्जी लगाते रहो कोई दिक्कत नहीं, आपकी क्लच या आपकी गिरा जाएगी कुछ नहीं होने वाला, खाली इसको दबाएंगे चल पड़ेगा, छोड़ देंगे रुक जाएगा। और इसके अंदर जो एयर क्लीनर है वो मैं दिखाना चाहूंगा हमारे किसान भाइयों को। इसके अंदर एयर क्लीनर जो है वो पूरा तेल वाला एयर क्लीनर दे रखा है, जैसे हमारे ट्रैक्टरों के अंदर होता है। पेपर वाला एयर क्लीनर भैया हम इसमें नहीं लगाते हैं, और अगर कोई लगाने को बोलेगा हम साफ साफ मना करेंगे। इसके अंदर जो है, इस कटोरे के अंदर तेल आता है, ये फोम है। काम कैसे करता है ये फोम जो है, बाहर से हवा खींचती है ऐसे लगा होता है, तो जब हवा खींचती है तो साथ साथ में धूल मिट्टी भी आती है, क्योंकि रोटावेटर चल रहा है तो धूल मिट्टी जितनी भी आई है इसने एक बार खींच लेनी है, खींच के इसने अंदर तेल के अंदर झाड़ देनी है, और वो जो तेल है वो मिट्टी को पकड़ के रखेगा। और टाइम पाने पे जब वो तेल बहुत ज्यादा मिट्टी उसमें भर गई तो वो गिरा के नया तेल डाल लोगे। इसमें मिट्टी अंदर जाने की कोई शंका नहीं है अगर टाइम से आप सर्विस करते रहें। तो सर जी, तो आपने इसके बारे में बता दिया, तो अगर मैं इसके बाथरूम की इसके साथ मुझे रिपर लगाना है, ट्रॉली लगानी है, भैया आप जो स्क्रीन पर नंबर दिख देना इस पर खाली व्हाट्सएप करके मेरे को अटैचमेंट लिस्ट दो, मैं आपको 5 पन्नों की अटैचमेंट लिस्ट भेजूंगा जिसमें तकरीबन 22 से 25 इंप्लीमेंट इसके साथ लगते हैं। आपको लेवलर लगाना, आपको कल्टीवेटर लगाना, आपको रिजर लगाना, आपको डबल फ्लोर लगाना, आपको सिंगल फ्लोर लगाना, आपको रीपर लगाना, आपको वाटर पंप लाना, आपको चेनसा लगाना है, आपको ट्रॉली लगानी है, आपको शीट लगानी है, आपको सीट ड्रिल लगानी है, मेरी सांस फूल जाएगी, आपको लोहे के टायर लगाने, आपको पोटैटो हार्वेस्टर लगाना, बेड मेकर लगाना, स्क्वायर बेड मेकर, स्पाइरल बेड मेकर, डिचर बेड मेकर लगाने हैं, ये सब सिस्टम इसके साथ लग जाएगा। डीप फ्लोर लगाना है या जो है इसके अंदर लगाना वो भी लग जाएगा। और भी कई इंप्लीमेंट है, और भी इंप्लीमेंट बनते जा रहे हैं, दिन ब दिन हम बनाते जा रहे हैं। वो जो है एक तरीके का इसको पूरा मिनी ट्रैक्टर बनाने की हमारी इच्छा है, पूरा मिनी ट्रैक्टर। लोग ये कहें कि भैया ट्रैक्टर ले आए हैं, अब इंप्लीमेंट जो है धीरे धीरे लेते रहे, इस्तेमाल करते रहे, इससे बड़े इंप्लीमेंट, इससे बड़े ट्रैक्टर की जरूरत नहीं है, 4 पहियों वाले ट्रैक्टर की कोई जरूरत नहीं है। ये मकसद है हमारा इसको करने का जो हम लगे हुए हैं इसके अंदर। जी जी जी, यहाँ पे ये जुताई कर दिया भैया, वहाँ पे जैसे कि इसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि गहराई जो आती है, बड़े ट्रैक्टर जो है वो 4 इंची आते हैं, तवियां तुवियां लगा के भैया जोड़ लगा के 5-6 इंची खींचता है। ये जो है ये आपका जो है 6 से 7 इंची गहराई आसानी से लेके 7 इंची गहराई जो है ये लेके जाता है। क्यों? क्योंकि इसके ब्लेड जो है वो लंबे हैं, ट्रैक्टर वाले रोटावेटर से ब्लेड इसके लंबे हैं, जो ट्रैक्टर के रोटावेटर के ब्लेड उनमें बेंड ज्यादा होता है, इसमें बेंड कम है और इसमें लंबाई ज्यादा, जिसकी वजह से ये गहराई ज्यादा लेके जाता है। और इसके अंदर भी है, आपको रीपर चलाना बैक गियर इस्तेमाल करना है, आपको जब ट्रॉली लगानी है बैक गियर की जरूरत पड़ती है, आपको खेत के अंदर रोटावेटर 10 गियर तब बैक गियर, तो बैक गियर भी ये नहीं है कि भैया खींचना पड़ेगा, गियर लगाओ मशीन अपने पीछे आएगी। और इसके अंदर जी हैंडल की एडजस्टमेंट भी है, आप जो है इसको जो है हैंडल को यहाँ से ढीला करके इसको जो है ऐसे मर्जी ऊपर नीचे आप अपनी जरूरत के हिसाब से कर सकते हो। और इसके अंदर जो है मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर जो है ये पूरा मडगार्ड वगैरह दे रखा है ताकि आपकी मिट्टी वगैरह कोई ऊपर ना आए, ऊपर टूल बॉक्स दे रखा है, ये देखिए आप इसके साथ सब ये टूल वगैरह जो है आपको सब साथ में मिलता है। एक इसके अंदर जो है आपको मैनुअल भी मिलता है, जिसके अंदर आपका देखिए जो है कंपनी का मैनुअल आता है, जिसके साथ आपको पूरा वारंटी कार्ड, रजिस्ट्रेशन कार्ड, वारंटी पॉलिसी, इसकी जो सर्विस क्या क्या है, कैसे इसमें अगर कहीं कभी कोई दिक्कत आ गई कैसे है, पूरा ये देखिए आपको गरारियां दिखेंगी, ये एसी के अंदर की गरारियां दिखाई हुई है कि कहां कहां पे कैसे लगा हुआ है, ये सब पूरा प्रोफेशनल मैनुअल इसके साथ में आता है, इसके साथ में लगा होता है। आपको कोई इसमें ये चीज सोचने की जरूरत नहीं है कि भैया पता नहीं कैसे करेंगे क्या करेंगे। और फिर भी अगर कोई किसान को नहीं समझ आ रहा, हमारा टेक्नीशियन हाजिर है, उसको फोन उठाएं, कॉल लगाएं, पूछें, चाहे सारा दिन पूछते रहें, 9 से 6 बजे के बीच में ड्यूटी टाइम है, जब मर्जी पूछते रहें वो बताता रहेगा, 10 बार पूछो 10 बार बताएगा। ये खासियत है सिंह पावर कंपनी में, हमारी कंपनी में, कि कस्टमर को सर्विस पूरी किताब में नहीं बल्कि किताब से बाहर होकर भी दी जाती है। ये हमारा 2200 मॉडल है, 2200 मॉडल में जो है हमारे SP 1100 से क्या अंतर है मैं वो बताना चाहूंगा। इसके अंदर एक तो हमने लाइट दे रखी है, और एक हमने आगे फ्रंट में व्हील दे रखा है, और आगे स्टैंड भी दे रखा है, स्टैंड भी है, व्हील भी है, व्हील के साथ स्टैंड भी लगाया जी, दोनों सिस्टम साथ में है। रोटावेटर आप देखिए, इसमें हमने 3 फुट का दिया था, इसमें हमने 3.5 फीट का रोटावेटर दिया है, रोटावेटर बड़ा दिया है, छोटा हम दोनों को ही 1.5 फुट कर सकते हैं, बड़ा हमने इसके अंदर 3.5 फीट का दिया है। और इसके अंदर जो है हैंडल की लंबाई जो है हमने, आप देख सकते हैं कि हैंडल की लंबाई जो है वो बढ़ाई है, इसके अंदर थोड़ा हैंडल लंबा है, गियर ऊपर करे हैं। और इसके अंदर जो टायर है, बात आती है टायरों की, जो टायर है इसके अंदर वो आप देख सकते हैं, टायर जो है इसके काफी फर्क है जी, ये रेडियल टायर है। आगे क्या होता था कि रेडियल टायर में ना आपने देखा होगा गोल बुद्धि टाइप से जो टायर आते थे वो आते थे,
जब टायर वो क्या है भैया, सड़क पे चलने के लिए ट्रॉली के लिए तो बढ़िया है, जब खेत में आप उसके साथ कल्टीवेटर खिंचवाते हो, बेड मेकर खिंचवाते हो, तो वो टायर स्लिप मार जाते हैं, गर्म होकर फट जाते हैं, ये दिक्कतें आती हैं, वो टायर नहीं पकड़ बनाते हैं। अब हमने क्या किया, साइज वही रखा है, 19:7 का टायर उसमें था, 19:7 का ही टायर, 19/7/8 का टायर जो है उसमें था, चेक कर लीजिए जिनके पास है भी है, 19:7/8 का ही टायर इसमें भी लगाया, बट गुड्डी जो है हमने वो ट्रैक्टर वाली दे दी, जो ट्रैक्टर के बैक टायरों में होती है, उनमें ये लगाने का मकसद होता है कि पकड़ अच्छी बनी रहे, मिट्टी ना चिपके इसके ऊपर, तो ये टायर हमने लगा दिया, पैसे जरूर हमारे लग गए डाई बनाने में, नए रेट नहीं भैया हमने बढ़ाया, ये चीज हमने कभी नहीं करी है कि चीज नहीं लगा दो तो रेट बढ़ा दो, जब तक हमारी कीमत, हमने जो है इसको जितना हम अपने अंदर सोंक सकते थे इसकी लागत, हमने अपने अंदर जो है वो लेने की कोशिश करी है, ताकि जो है कस्टमर के ऊपर रेट ना बढ़े, तो वही रेट के अंदर हमने इसको जो चलाने की कोशिश करी है, अभी तो हम वही दे रहे हैं, शायद आने वाले टाइम में थोड़ा बहुत बढ़ाना पड़ जाए, पर आज की डेट में हम जो है किसानों के लिए नहीं बढ़ा रहे हैं रेट इसका, इसके अंदर वही बड़े टायर दे दिए, फ्रंट में भी व्हील दे दिया, वो भी बड़ा कर दिया, और साथ में ये जो है ये हमने लोहे का कर दिया, इसका अंदर का फ्रेम, पहले ये प्लास्टिक में होता था, अब ये लोहे के अंदर कर दिया, ताकि मजबूती और बढ़ती रहे, और इसके बाद जो है इसके अंदर हमने आपको दिखाऊंगा कि इसके अंदर जो हमारा गियर बॉक्स है वही नैनो गियर टेक्नोलॉजी का है, क्राउन पिनियन वाला है, चेन वाला नहीं है, वही नैनो गियर टेक्नोलॉजी है, टूल बॉक्स इसके अंदर भी दे रखा है हमने अंदर, और इसके अंदर एक लाइट का सिस्टम जो है वो बहुत बढ़िया है, आपको दिन में काम करना है तब तो लाइट की चलो जरूरत नहीं है, रात में काम करना है आपके अंदर लाइट लगी है, और लाइट के अंदर भी इसकी लाइट थोड़ी मार्केट की लाइट से अलग है, आपने अक्सर देखा होगा लोग बड़ी बड़ी लाइट लगा देते हैं, देखने में तो सुंदर है भैया, वो प्रैक्टिकल काम नहीं है, जब आपको पेट्रोल भरना पड़ता है ना, वो लाइट उतारो, वो लगाओ, वो कई बार उसके जो निप्पल है वो निकल जाते हैं, हमारे पहले वो लाइट लगाते थे लगा लगा के बंद कर दी, लोग वही टेक्निक को देखते हैं, वो देखने में जरूर अच्छी लगती थी बट वो प्रैक्टिकल नहीं है, फिर लोग क्या कहते थे उसको 10 दिन बाद महीने बाद उतार के रख ही देते थे, यार कौन झंझट करेगा। इसके अंदर हमने ना स्पेशल डाई बना के मैं आपको दिखाना चाहूंगा, पेट्रोल टंकी का ढक्कन, पेट्रोल टंकी का ऊपर से ढक्कन, जी 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 ऊपर से ही ढक्कन खुल जाता है, फिल्टर वगैरह निकल आता है, आपको पूरी लाइट उतारने की जरूरत नहीं पड़ती है, जो दूसरे मॉडल आप जितने मर्जी किसी कंपनी का देख लीजिए जो बड़ी बड़ी सी लाइट लगा देते हैं, है तो एक ही बल्ब उनके अंदर भी, एक ही बल्ब इसके अंदर भी है, ठीक है, बट वो इतना बड़ा बड़ा कर देते हैं कि वो पेट्रोल के ढक्कन आने पर वो लाइट उतारनी पड़ती है, इसमें ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता, वही बात है ना, इन चीजों से सर पता लगता है कंपनी का और जुगाड़ू चीजों, जो यही होता है जी, लोग कॉपी तो मिनट में कर लेते हैं, पर कॉपी मतलब कोई चीज बन गई उसकी कॉपी करना कोई बड़ी बात नहीं है, उस चीज में जो कमी है उसको सुधारा कैसे जाए, उस सुधार के नया बनाया जाए, वहीं पे नहीं रुकना, हमने पावर कंपनी जो हमारी है वो करती है, वो वहीं पे नहीं टिकी रहती, वो हो गया कोई बात नहीं, अब आगे चलते जाइए, उसके आगे और क्या सुधारे, कल को हम इसके ऊपर भी काम लगे कि भैया इसके अंदर और क्या सुधार करें, हम इसके ऊपर दिन रात लगे रहते हैं, ये नहीं कि इस पे ये करके हम रुक गए, सुधार का जो है वो चलता रहेगा, सुधार होता रहना चाहिए तभी हम आगे बढ़ते रहेंगे, और रोटावेटर जैसे मैंने आपको बताया था इसके अंदर आप देख सकते हैं कि पिन सिस्टम है, आपको खाली 2 ब्लेड चलाने हैं 2 चला लीजिए, आपको 3 चलाने 3 चला लीजिए, आपको 4 चलाने 4 चला लीजिए, आपको तवा लगाना लगा लीजिए, ये सब सिस्टम मतलब पूरा एडजस्टेबल रोटावेटर जो है लग जाता है, और अगर आपको कहीं लेके जाना है तो ये नहीं है कि भैया हाथ में उठा के लेके जाओ, यहाँ पे टांग दो पिन लगा दो, सड़क पे आराम से चलते रहिए, आगे पहिया लगा हुआ है, कोई लोड का सिस्टम नहीं है, और वही इसके अंदर 2 गियर आगे हैं, 1 गियर पीछे की तरफ है, वही नैनो गियर टेक्नोलॉजी में, अब इसी के अंदर सेम मॉडल हमारा 2200E है, ये 2200 अकेला था, ये 2200E है, 2200E के अंदर हमने एमरॉन की बैटरी आप देख सकते हैं, बैटरी साथ में देते हो सर, साथ में देते हैं भैया, लोग बहाना मारते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हम ऐसा कुछ नहीं करते, बैटरी साथ में आती है, और वो भी नहीं है कि लोकल बैटरी, चाइनीज बैटरी, एमरॉन बताने की जरूरत नहीं है, ओरिजिनल बैटरी देख सकते हो मेरे किसान भाई, ओरिजिनल बैटरी एमरॉन कंपनी की साथ में देते हो, कंपनी की ही बैटरी मिलेगी, कंपनी का ही सामान मिलेगा, कल को कोई दिक्कत मैं कहता कोई महाराष्ट्र में बैठा है, कोई दुबई में बैठा है, जहाँ अमेज़न का सर्विस सेंटर है, गारंटी कार्ड साथ में है, उठा के लेके जाओ भैया, गारंटी कार्ड ये रहा, बैटरी ये रहा, आपको कोई मना नहीं कर सकता, कंपनी का टोल फ्री नंबर है, शिकायत कर दो भैया हमने ये गारंटी ली थी, वो बोलेंगे भैया इसी नजदीकी सर्विस सेंटर पे जाएं और अपनी बैटरी नहीं ले आए, ये सिस्टम है, सेल्फ स्टार्ट है, मतलब बस अक्सर क्या है कि बस वहां से जो है हम इसमें जो है चाबी लगी हुई है, ये देख सकते हैं हमने चाबी जो है इसके साथ दे रखी है, तो आप इसको जो है ऐसे घुमा के स्टार्ट कर सकते हैं, ये देखिए हमने चाबी घुमाई तो इंजन घूमना शुरू हो गया, तो यार और इसके अंदर हमने लाइट भी दे रखी है, आप देख सकते हैं कि जो लाइट है, आप इसको ये देख सकते हैं जो लाइट हमने इसको चलाना है, इसको बंद करना है, ये सब सिस्टम इसके अंदर है, तो चलाना बड़ा आसान है, और अगर कभी आपकी बैटरी डाउन भी हो गई तो रस्सी तो कहीं नहीं गई भैया, रस्सी से आप जब मर्जी जो है इसको स्टार्ट कर सकते हैं, इसके अंदर जो है पूरा सिस्टम हमने रस्सी और बैटरी दोनों का दे रखा है, जो इसके अंदर आप कर सकते हैं,
और वही नैनो गियर टेक्नोलॉजी दोनों में है, वही 3.5 फीट का रोटावेटर दोनों में है। अब बात करते हैं कि भैया इसके साथ में और क्या मिलने वाला है किसानों को। तो जो हमारे 2200 और 2200E मॉडल है, इसके अंदर किसानों को 3.5 फीट का रोटावेटर मिलेगा, और साथ ही में आपको जो है एक ये मिट्टी पलटने वाला जो हमारा है साइड प्लो, या हमारा जो ये रिजर नाली बनाने वाला ये, या हमारा लेवलर, या हमारा कल्टीवेटर, इन चारों में से जो है किसान भाई कोई भी 2 इम्प्लीमेंट साथ में एक्स्ट्रा लेता है, तो टोटल 3 इम्प्लीमेंट रोटावेटर और ये चारों में से कोई 2 इम्प्लीमेंट, टोटल 3 इम्प्लीमेंट किसानों को जो है वो साथ में मिलेंगे, जिसका वो इस्तेमाल करके वो अपनी खेती को और कर सकता है। और अगर कोई अलग से लेना चाहता है तो वो लिस्ट में से सिलेक्ट करके अपना अलग से भी ले सकता है। तो सर एक बात मैं कहूँ कि टैक्स में तो सभी कंपनी वाले दे रहे हैं, कोई 2 दे रहा है, कोई 1 दे रहा है, तो अगर कोई मैं कहूँ कि पावर टिलर दे दो, क्या पावर टिलर दे दोगे? भैया ऐसा है, अब नया साल आने वाला है तो हम जो है दिवाली आने और छठ पूजा भी चल रही है, और जैसे अभी खेती भी जो है कटाई शुरू, धान की कटाई है, तो अभी रोटावेटर की जरूरत है किसानों को। अभी गन्ना गुड़ाई भी शुरू होने वाली है, जैसे जनवरी में गन्ना गुड़ाई शुरू हो जाती है, तो लोग जो है पहले इसको लेना चाहते हैं। हाँ मैं किसान भाई को रेट बताऊंगा जो हमारा ये नहीं, मैंने कहा था हमने जो टेक्निक बदलते रहेंगे रेट। जी, वो देख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमने जो है अब रेट वैसे नहीं हम बढ़ाते, और अगर थोड़ी बहुत बढ़ते भी है तो वो अपने अंदर ही रख लेते हैं, हम रेट बढ़ाने की कोशिश नहीं करते हैं। तो हमारा SP 1100 जिसमें 8.5 HP का टर्बो सीरीज का इंजन लगा हुआ है, 3 फीट का रोटावेटर है, और नैनो गियर टेक्नोलॉजी है, गिरारियों वाली चेन वाली नहीं, गिरारियों वाली नैनो गियर टेक्नोलॉजी है, ये मशीन किसानों को पड़ने वाली है 38,000 के अंदर घर में पहुंचा के होम डिलीवरी के साथ इंश्योरेंस के साथ, मात्र 38,000 के। जी, और जो हमारा कोई SP 2200 मॉडल लेना चाहता है तो वो उसको मिलेगा 7.5 HP का सिंग पावर का पेट्रोल इंजन, वही इटालियन इंजन इसके अंदर है 7.5 HP का, 3.5 फीट का रोटावेटर है, और साथ में आप 2 इम्प्लीमेंट जो है अलग से, मतलब टोटल 3 इम्प्लीमेंट के साथ ही आपको 50,000 का पड़ने वाला है घर में पहुंचा के। और इसके अंदर अगर कोई 2200E लेना चाहता है तो सेम चीजें सब मिलेंगी, बस साथ में एक बैटरी और सेल्फ का एक्स्ट्रा है, जिसके लिए किसान भाइयों को 3,000 का, मतलब 53,000 के अंदर जो है ये मशीन मिलने वाली है। तो 2200E 53,000 की, 2200 अकेला 50,000 का, साथ में 3 इम्प्लीमेंट रोटावेटर, फिर चाहे आप साथ में साइड प्लो ले लीजिए, चाहे आप रिजर ले लीजिए, ये चीजें आपको साथ में मिलने वाली है। वही ट्रैक्टर गुड्डी वाले टायर मिलेंगे, हमने टायरों की वजह से दाम जरूर बढ़ रहा था, पर हमने वो बढ़ाने की कोशिश नहीं करी, हमने अपने तक ही रखा हुआ है।